तो फाइनली दोस्तों डंकी को लेकर एक बहुत बड़ी वाली ब्रेकिंग न्यूज आई है भाई। आपको बता दूं कि डंकी फ्राइडे से नहीं होगी रिलीज। जी हां दोस्तों, आज है थर्सडे और आपको बता दूं कि मनोज देसाई ने ऐसी बड़ी स्टेटमेंट दे दी दोस्तों, जिसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि जितने भी एग्जीबिटर है, जितने भी सिंगल थिएटर के मालिक है, कल जितने भी शोज नॉर्थ में डंकी को चलेंगे दोस्तों, सारे शोज कैंसिल कर दिए गए हैं और कल सिर्फ सलार ही सलार चलेगा। यानी कि कुल मिला के कल दोस्तों है फ्राइडे और फ्राइडे को मचेगा भाई साहब बवाल, क्योंकि सलार के कलेक्शंस में हिजापा होगा, बढ़ावा होगा और वही डंकी के कलेक्शन में दोस्तों बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड शोज दोस्तों आपको बता दूं कि उसमें भी बहुत गिरावट देखने को मिलेगा आज रात से ही। तो बने रहिए दोस्तों, मनोज देसाई ने ऐसा क्या कहा वो सब कुछ बताऊंगा, लाइक कमेंट करने का, वीडियो को अंत तक देखने का और अपने भाई रवि चौधरी को इसी तरह प्यार देने का। दोस्तों आज की अभी की ब्रेकिंग न्यूज, मनोज देसाई ने एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि डंकी के कारण उनको बहुत ह्यूज लॉस हुआ, बहुत ज्यादा हैवी लॉस का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट जो एडवांस बुकिंग भी उन्होंने एडवांस पेमेंट दे रखी थी डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे कि आप सबको पता है कि सिंगल थिएटर के मालिकों को जो थिएटर ओनर होते हैं उनको पहली पेमेंट करनी होती है, जिसकी वजह से जितने भी शोज उनको मिले होते हैं वो चलाने होते हैं। लेकिन डंकी क्योंकि खास बिजनेस नहीं कर रही है, डंकी को पब्लिक प्यार नहीं दे रही है, डंकी के कलेक्शंस में गिरावट देखने को मिली है एंड उन्होंने दोस्तों डंकी को अपने थिएटर से गिट्टी गैलेक्सी से हटा दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मराठा मंदिर में सलार के शो सारे चल रहे हैं, अब गिट्टी गैलेक्सी से डंकी हट चुकी है दोस्तों। गिट्टी गैलेक्सी में आपको बता दूं कि सिर्फ सलार ही सलार चलेगा और वैसा इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया है और ये भी बताया है कि डंकी जो है बहुत ही घटिया फिल्म लगी है पब्लिकों को और लोगों ने अच्छा रिएक्शंस नहीं दिया है डंकी को लेकर। लोग प्यार दे रहे हैं सलार को और सलार अच्छा बिजनेस कर रही है। ये मनोज देसाई ने दोस्तों अभी आकर एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बहुत बड़ी बात बोल दी भाई। देखो यार, उन्होंने जो बोला सही बोला दोस्तों, क्योंकि उनका खुद कहना है कि यार हम इतना बड़ा लॉस कैसे बियर कर पाएंगे, क्योंकि यार डंकी अच्छा कलेक्शंस नहीं कर रही है। हालांकि दोस्तों 90% शोज कैंसिल हो चुके हैं, आज थर्सडे है, आज रात से ही 90% शोज कैंसिल हो गए हैं और कल डंकी के कलेक्शंस में बहुत गिरावट देखने को मिलेगी भाई। डंकी के कलेक्शंस में वैसे गिरावट आ चुकी है, आपको बता दूं कि आज का कलेक्शंस भी 4 करोड़ का आया है, 4 करोड़ का। मतलब मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद छपरी लोगों के दिल में बड़ा दर्द होगा, क्योंकि 4 करोड़ का कलेक्शन आज हुआ है, जिसमें से 9782 शोज के आसपास डंकी ने एडवांस बुकिंग में ही लगभग 1-2 करोड़ कमाया था मॉर्निंग में। आप सोचो कि भाई अगर 10,000 शोज पे भी 4 करोड़ का पर डेली कमाई कर रही है, तो मुझे लगता है कि यार फिर तो थिएटर ओनर को डंकी को हटा देना चाहिए और ये सबसे बड़ा डिसीजन है दोस्तों एग्जीबिटर का, थिएटर ओनरों का, खास तौर से सिंगल थिएटर का। दोस्तों कल फ्राइडे है और कल का कलेक्शन डंकी का दोस्तों 3 करोड़ भी आ जाए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कल चलेगा सलार और सलार के कलेक्शन में कल दोस्तों बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेंसी बताओ डंकी की दोस्तों, 12% की ऑक्यूपेंसी आई है आज, 12% की दोस्तों, अनबिलीवेबल दोस्तों, सरप्राइजिंग और बहुत ही घटिया कलेक्शन। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो फिल्म मेकर डंकी के 305 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड दिखाया है, लेकिन जो अभी नेट कलेक्शंस आया हुआ है एज पर स्कैल्डिक रिपोर्ट, जो कि मुझे लगता है कि वो भी कलेक्शन जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, खासतौर से शाहरुख खान की फिल्मों का, 156 करोड़ का कलेक्शन नेट में कर चुकी है इंडिया नेट में डंकी एंड ग्रॉस में 305 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है आफ्टर कॉर्पोरेट ऑफकोर्स यार, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों शोज में कमी नहीं है, शोज में मुंबई में 646 शोज डंकी के, उसके बाद दोस्तों दिल्ली में 840 शोज, मतलब कुल मिला के भाई शोज में कोई कमी नहीं है। लेकिन इतने सारे शोज, इतने सारे स्क्रीन्स लेने के बावजूद भी कलेक्शन 2-4 करोड़ आना और महज 1 हफ्ते ही हुए हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, और कोई आंडू पांडू स्टार नहीं, बहुत बड़ा स्टार जी हाँ दोस्तों शाहरुख खान जी की फिल्म अगर ऐसे कलेक्शन करेगी तो मुझे लगता है दोस्तों कि फिर तो बहुत बड़ा लॉस ऑफकोर्स हो गया होगा। एंड राजकुमार हिरानी की फिल्म दोस्तों मैजिक नहीं कर पाई, फिल्म डंकी फिल्म का वो जादू नहीं चल पाया शाहरुख खान का। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई थी मनोज देसाई को लेकर, और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई मनोज देसाई का ये इंटरव्यू, और मनोज देसाई ने साफ सीधी बोल दिया है कि मैं डंकी नहीं चला रहा हूँ। दोस्तों इस फैसले के बाद आपको लिटरली कल इसका रात में ही आपको असर देखने को मिलेगा, जब कलेक्शन बहुत तगड़े आएंगे ना सलार की और डंकी खत्म हो चुकी होगी दोस्तों। क्योंकि देखो यार सैटरडे और संडे आ रहा है, अभी हालांकि कोई नई फिल्म दोस्तों रिलीज नहीं हुई है, और नई फिल्म नहीं रिलीज हुई है इसका
इसका मतलब ऑफकोर्स सलारो डंकी ही चलेगी, लेकिन अगर थिएटर के मालिकों को ही लॉस होगा डंकी से तो क्यों चलाएंगे, सलार ही चलेगी ऑफकोर्स यार। तो सलार के चांसेस वीकेंड में दोस्तों और भी उछाल देखने को मिलेगा, और जितने भी ये छपरी गैंग के लोग हैं भाई, कुल मिला के भाई अपने सांसें थाम लो, क्योंकि कल ही तुम्हारा डंकी का आखिरी दिन तय है। सैटरडे संडे चलेगी सलार, और सलार दोस्तों बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी, क्योंकि इस वीकेंड में ही सलार जो है लगभग दोस्तों 600 करोड़ पार हो जाएगी, और अगले वीकेंड तक तो ऑफकोर्स यार 1000 करोड़ पार हो ही जाना है। तो दोस्तों क्या कहना है, क्या मनोज देसाई का यह फैसला सही है, क्या मनोज देसाई का यह डिसीजन सही है आपके हिसाब से? डंकी इतना बड़ा लॉस दे रही है, क्या थिएटर के मालिकों को डंकी चलाना चाहिए या सलार ही सलार के सारे शोज चला देने चाहिए? लाइक कमेंट करके बताओ, और दोस्तों अपने भाई को इसी तरह प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और कल का कलेक्शंस आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग का कलेक्शंस 9वें दिन का नहीं आया, लेकिन कल 3 करोड़ में ही ढेर हो जाएगी फिल्म। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद भाई। लाइक कमेंट करो फटाफट जल्दी से।